नमस्ते दोस्तों, एक बार कुक विद पिंकी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अरवी के पत्ते की नई तरीके से रेसिपी बनाएंगे। नरम नरम पत्ते तोड़ लेती हूँ मैं। इसके जो ख़राब पत्ता है उसको नहीं लेना है। इसमें छोटे छोटे ही पत्ते हैं, ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं निकले। इसके पत्ते हमें इस तरीके से तोड़ने हैं कि एक जो पत्ता होता है सिंगल वो छोड़ना होता है, उससे आगे पौधा चलता है। सभी पत्तों को धुलकर साफ करके रख दिया है। बर्तन लेंगे साफ, उसमें एक कप बेसन डालेंगे, आधा कप सूजी। ये सूजी को मैंने पीस लिया है, मैं इसको सूजी और बेसन से बना के दिखाऊंगी। दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच पिसी हुई सौंफ, एक पिंच हींग। हींग पेट के लिए अच्छी रहती है। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्ची पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स हो जाएं बेसन और सूजी में। अब इसमें पानी डालेंगे। इसका पतला घोल बनाएंगे, ज़्यादा पतला घोल नहीं, इतना पतला होना चाहिए कि अरवी के पत्ते पर अच्छे से चिपक जाए। पूरी मेथी ऐड कर देंगे। घोल हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब अरवी के पत्तों पर इस घोल को लगाएंगे। पत्तों को धुलकर साफ कर लिया था। पहले बड़ा पत्ता लेंगे, उसको इस तरह से बिछा लेंगे। अब इस पर पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट इस तरह से लगाना है पूरे पत्ते पर। पूरे पत्ते पर पेस्ट लगाने के बाद में इस तरह से दूसरा पत्ता लगाएंगे। इसकी आप 5 या 6 पत्तों से लेयर बना सकते हैं। मैं अभी आपको बना के दिखा दूंगी। बीच में छोटे छोटे पत्तों को आप इस तरीके से रख सकते हैं। इस पे भी पेस्ट लगा देंगे। इस तरह से मैंने 5 या 4 पत्ते आप लगा सकते हैं, लगा दिए हैं। इसको इधर से फोल्ड कर दिया है, इसको इधर से। अब इसका रोल बनाएंगे। रोल मैंने ये बना दिया है। अब इसको अभी एक मैं प्लेट में रख देती हूँ। इसी तरह से दूसरे पत्ते को ऐसे बिछा लेंगे, उस पर पेस्ट लगा देंगे। इसको आप बांध भी सकते हैं, पर मैं इसको बांधूंगी नहीं, इसको इस साइड से ऐसे दबा के ही रखूंगी। पत्तों के ऊपर बेसन का पेस्ट लगा के मैंने रेडी कर लिया है। गैस पर रखेंगे कढ़ाई, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑन। मैं एक ये जाली ले रही हूँ, आप कोई स्टैंड भी ले सकते हैं। इसमें हल्का तेल या घी लगा कर रखेंगे। इसको कढ़ाई में पानी डाला है उसके ऊपर रख देंगे। अब इसमें एक एक करके जो हमने रोल बनाए थे उनको रख देंगे। अब इसको ढककर 20 मिनट तक पकाएंगे।
20 मिनट हो गए हैं, अब इसको खोलेंगे। के पत्ते पककर तैयार हो गए, अब इनको ठंडा करेंगे। मिनट तक ठंडा होने देंगे, अभी ये गर्म है, पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। अब इसको पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे चाकू की मदद से। इसी तरह सभी रोल को पीसेस में कट कर लेंगे। गैस पे तवे को रख दिया है, इसमें डाल दिया है तेल गरम होने के लिए सरसों का। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें सभी पीसेस हैं उनको डाल देंगे। एक एक करके इसमें सभी पीस डाल दिए हैं। अब इनको इसकी मदद से पलट देंगे। करछली की और टेस्टी अरवी के पकौड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारे अरवी के पत्तों के पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।